जो है वो थंबनेल से तो पता चल गया होगा कि हम आपको क्या सिखा रहे हैं। बहुत ही डिमांड में था ये स्टाइल के मिसेस की वीडियो शेयर की जाए। तो आज हम जो है इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म होती हैं और वीडियो शेयर की जाती है आपके साथ, और उसकी न्यू टेक्निक जो बिल्कुल आसान टेक्निक है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने सेंटर पार्टिंग कर दी है टीके के लिए, और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट बैक पे जाके मैंने इस तरह से जो बैककॉमिंग वाला एरिया होता है हमारा, बैककॉमिंग वाला एरिया, उस पार्ट को मैं कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ सेंटर पार्टिंग करके मैं यहाँ पर टीके के लिए, अच्छा यहाँ मेरे पास छोटा सा टीका आ जाता है। तो ये मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में बताती हूँ कि मैं थ्रेड का इस्तेमाल करती हूँ इस तरह से, और इस तरह से ये होता है कि अगर छोटा भी टीका है तो आप बहुत आसानी से उसको सेट कर सकते हैं ब्रैडल के, और वो स्लिप करके नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले हम सामने से देखेंगे ये हमारी अच्छा बहुत ज़्यादा नीचे जो है हम नहीं यूज़ करेंगे इसको, लटका मत देंगे टीके को ना, ज़्यादा लोग नीचे की तरफ कर देते हैं तो वो गिरने लगता है। थोड़ा सा आप उठा के इस तरह से, अगर टीका बड़ा हो तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दें। अच्छा मैं एक अकेले हाथ से काम कर रही हूँ तो मुझे नीड होगी सेक्शन क्लिप की, तो मैंने इस तरह के स्टील के सेक्शन क्लिप लेके ऐसे होल्ड कर दिया, और यहाँ पे एक और अगर जो मुझे नीड होगी तो मैं एक और भी यहाँ पे जाके लॉक कर दूंगी ताकि मेरा टीका स्लिप ना करे। अब मैं बैक पर आऊंगी, इस तरह से हम बैक पर आके ये टीका जो है हमारा थ्रेड यहाँ पर है, इसको हमने अभी साइड में करा। अच्छा इस तरह से हमारे बाल जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो बिल्कुल सेंटर पार्टिंग पहले आप कर दें। जब सेंटर पार्टिंग आप कर देंगे तो आपने यहाँ पे जाके ट्रेड बनानी है। तो अब यहाँ पर हमें ये वाले पार्ट भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ऐसे जाके हमने इसको लॉक कर दिया ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें। इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी के साथ आप काम कर लेंगे और आप परेशान नहीं होंगे, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते ये वाली बात। अब यहाँ पर इतनी टू मच आपने ब्रेड नहीं बनानी है, टू मच ब्रेड बनाने से ये होगा कि बहुत ज़्यादा मोटी बन जाएगी। आपने बस जस्ट इतनी ये देखिए, अच्छा ज़्यादा देखिए ऊपर तक के वालों को मत लीजिएगा, फिर वो आपको बैक कॉमिंग में या दूसरी चीज़ों में, बस यहाँ पे जहाँ हम डोनट दुपट्टे के लिए सेट करते हैं यहाँ पर मैंने जस्ट 1, 2, 3 एक छोटी सी ब्रेड बना के मैं उसको, अच्छा हाथ को नीचे की तरफ रखेंगे, बिल्कुल ऊपर चढ़ा के नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी लूज नहीं बनाएंगे, बहुत ही लूज थोड़ी सी टाइट करके। अच्छा अपने क्लाइंट से हम जरूर पूछ लेंगे, ऐसा ना हो उसको यहाँ पे तकलीफ हो रही हो क्योंकि आपको टाइट, अच्छा यहाँ तक बस बना कर इसे रोक देंगे। इस तरह का मैंने एक रबड़ ले लिया, दिखाने के लिए मैं आपको गोल्डन लेकिन सेम लें ब्लैक पे ब्लैक ही यूज करें। ये बहुत, ये रबड़ भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो ये जो है वो अपने बॉक्स में जरूर रखें ब्लैक और गोल्डन, मैं दो कलर के रबड़ जरूर रखती हूँ। देखिए अच्छी तरीके से मैंने जब लॉक कर दिया, यहाँ से मैं अपना थ्रेड ऐसे करके बहुत आसानी के साथ यहाँ पर आए, हम ये वाले बाल हम नहीं कर ले। अच्छा यहाँ पर अभी पहले लॉक करेंगे इस तरह से 1, 2, 3 अच्छे से मैंने इस पर रैप करना है ताकि ये मेरा टीका बहुत अच्छे से, ब्रेड का ही होता है स्लिप होके बार बार नीचे आ रहा होता है, हम बार बार बहुत सारी पिने लगा देते हैं। ये देखिए जब आपके पास इस तरह से टू फिंगर के साथ करके मैं इसको लॉक करूंगी ऐसे, फिर
टू फिंगर के साथ। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मिस टू फिंगर के साथ आपने क्यों लॉक कर रही हैं। तो देखें, वन फिंगर के साथ इसमें नॉट नहीं लग सकती, इसको टू फिंगर के साथ ही हम नॉट लगाएंगे। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन, इनके आंसर मैं ही आपको दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपके साथ शेयर करती चलूँ। लोग कहते हैं कि अब मिस आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या आप देती हैं, तो डियर ये समझें आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं, जिसमें क्वेश्चन भी मैं आपसे कर दे रही हूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर भी मैं ही दे रही हूँ ये ज़्यादातर। तो आप ये लोग मत समझा करें कि आप ऑनलाइन में कुछ और सीखेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों के लिए बहुत ही एक तरह से क्लासरूम की ही हैसियत रखता है कि आप क्लासरूम में ही बैठे हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने कट कर दिया, ये देखें यहाँ से। अब इस तरह से पार्ट जब हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको ये बॉबी पिन के साथ जाके नीचे अच्छे से लॉक कर देंगे ऐसे। अच्छा, लॉक करना जरूरी है, वरना ये आपको पार्ट डिस्टर्ब करेगा बार बार आपके, जब आप काम करेंगे तो यही सामने आ रहा होगा, डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो मैंने इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद हम ये वाला पार्ट ओपन कर देंगे। अच्छा, ये टेक्निक्स हम जब भी यूज कर सकते हैं, इस तरह की टेक्निक, कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट ऐसा आता है जिसकी रिबॉन्डिंग हुई भी है और उसे टीका सेट करना है, तो यहाँ पर उसका स्लिप हो रहा होता है, उसका टीका भी छोटा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, दो पार्ट इस तरह से जब आ जाएंगे आपके पास, ये चीज़ मैं जब बता रही हूँ आपको, तो मैं ब्रेक, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे बैक कॉम कर दें इस तरह से करके, ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा। इस तरह से बहुत आसानी के साथ आपको टीका भी सेट हो गया और यहाँ से कोई पार्ट नहीं दिख रहा। यहाँ से मैंने अपने ये वाला पार्ट, अब हम टीके की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, टीका कहीं भी नहीं जाएगा, स्लिप करके नीचे नहीं आएगा। यहाँ टीके की हमने मुकम्मल करने के बाद अब हम फ्रंट का सेक्शनिंग करेंगे। फ्रंट की सेक्शनिंग, बैक कॉमिंग कैसे देंगे, हाइट कैसे देंगे, स्टाइलिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, टीका सबसे पहले सेट करके हमने एक तरफ कर दिया। यहाँ से मैंने सेक्शनिंग थोड़ी सी इस स्टाइल की चेंज है। पहले सबसे पहले मैं ये वाले पार्ट मैंने ओपन, दोनों पार्ट मैंने ओपन कर दिए हैं। यहाँ पे आने के पहले मैं आपको समझा दूं, ये वाला पार्ट मुझे ऐसे राउंड में लेना है, तो मैंने स्लांट पार्ट निकाला। अच्छा, जितना आपका स्लांट होगा उतना ये स्टाइल खूबसूरत आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। यहाँ पर मैंने ये वाला पार्ट मैंने निकाल लिया, पूरा आपने राउंड पार्ट लेना है ऐसे। ये जब टीके के बाद का पार्ट मैंने लॉक कर दिया, आपको थोड़ी सेक्शनिंग समझा रही हूँ, उसके बाद मैं इन सबको एक कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर आऊंगी, कैलकुलेशन हमें पहले ही करनी है। यहाँ पर आने के बाद इसकी स्लांट में मैंने सेक्शनिंग कर दी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल स्लांट पार्ट, ये देखिए, जब स्लांट पार्ट आ जाएगा तो आपके पास एक पार्ट इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसमें से फ्रंट का बॉक्स एरिया निकाल लें, ये पार्ट हम लॉक कर देंगे पहले, ताकि आपको अच्छे से डिटेल से समझ में आ जाए। ये हमने लॉक कर दिया, अब इसको ओपन करेंगे, फ्रंट का पंप बनेगा यहाँ पर। अच्छा, अब हम बैक पहले पैक करेंगे, उसके बाद फिर इसमें से हम पार्ट निकालेंगे, क्योंकि अगर आपने, वरना पार्ट क्या होगा कि मिक्स हो जाएंगे आपके। अच्छा, यहां से भी मैं यहां से भी मैंने थोड़ा सा स्लांट लूंगी पार्ट,
ऐसे थोड़ी सेक्शनिंग चेंज है, डिफरेंट है। सेक्शनिंग पे अगरचे आपने कंट्रोल कर लिया, सेटिंग और समझ में आ गई बहुत अच्छे से आपके, तो आप बहुत अच्छा स्टाइल डन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने अब पार्ट ओपन कर देंगे। देखें, बैक हमें तंग नहीं करेगा क्योंकि बैक लॉक है। अब मैं इसमें फ्रंट का पार्ट निकालूंगी। फ्रंट का पार्ट कैसे निकालना है, हम हमेशा टीके को थोड़ा सा हमने ऐसे कर दिया। अब मुझे सामने आके एक पार्ट ऐसे, अच्छा बॉक्स एरिया में बहुत ज्यादा टू मच नहीं लूंगी, बॉक्स एरिया जिस पर मैं अपना फ्रंट का पफ बनाऊंगी थोड़ा सा मैंने और कम कर दिया। अच्छा, मुझे कितना कम करना है, कितनी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आपके सामने है। ये देखें, मेरे पूरे क्लाइंट की आधी आंख ढक जाए। अगर ये पूरी आंख इतनी ढकी भी नहीं होगी तो क्या होगा, ये स्टाइल जो है वो वैसा क्रिएट नहीं होगा जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे क्लाइंट के बाल बहुत ज्यादा हैं, तो हमने उसकी सेक्शनिंग भी उसी हिसाब से करनी होगी। स्लांट पार्ट में हमने ये पार्ट ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पूरी आधी आंख ढक गई है। जैसे कि फ्रंट का जो पफ है वो हमें इस तरह से चाहिए, बस इतना पार्ट। अब ये फ्रंट का पफ आपने यहाँ लॉक कर दिया, ये आपके फ्रंट की सेटिंग हो गई पफ की। इसको मैं सामने की तरफ लॉक कर दूंगी ताकि मैं जब बैक कॉमिंग करूंगी तो वो पार्ट मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि मुझे बैक कॉमिंग भी करनी है साथ में और फ्रंट के पार्ट को भी सेटिंग देनी है। ऐसा ना हो कि मैं फ्रंट का पार्ट बैक कॉमिंग में पैक कर दूं, तो उससे ये होगा कि फिर आपको फ्रंट पे बाल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर आप देख रहे हैं स्लांट पार्ट करा है मैंने। स्लांट पार्ट से ये होगा कि मुझे यहाँ बाल चाहिए इस तरफ, जब यहाँ पर बहुत अच्छे बाल होंगे। अच्छा, अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये करेंगे कि मिस क्या छोटे बालों में ये बन सकता है। देखिए, अगर ये छोटे बाल इतने छोटे हैं तो बन सकता है, अगर बहुत छोटे हैं, लेयर्स कटी हुई है, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उस पर ये नहीं बन सकेगा। तो थोड़े बाल स्ट्रेट होने चाहिए और लेंथ उसकी थोड़ी इतनी होनी चाहिए। अगर फ्रंट पे बाल पफ कटा हुआ भी है तो मैंने देखिए फ्रंट का पफ निकाल दिया, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बाल होना जरूरी है अच्छे। अच्छा, अगर बहुत थिन हेयर है आप क्रिम कर दें, क्रिम करके थोड़ा सा स्ट्रेटनर कर दें, तो उससे ये होगा बहुत अच्छा लुक आ जाएगा उसका। अच्छा, हमें डैम स्ट्रेट चाहिए, बहुत फूला हुआ लुक नहीं चाहिए, तो मैंने इसको स्ट्रेट करा है ताकि इसकी ये खूबसूरती आए। आप बारीक वाली क्रिम्पिंग यूज करें, उससे बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। ये पार्ट यहाँ मैंने लॉक कर दिया। अच्छा, हम देखिए अपने क्लाइंट की भी उसका ख्याल रख रहे हैं कि उसको कोई इरिटेट ना करे। जैसे मेकअप हुआ हुआ होता है तो हम ये इस तरह के बाल डाल देंगे उसके ऊपर तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर हमने बाल ओपन करे, अब यहां से मैंने सी सेक्शन लूंगी उसकी बैक कॉमिंग के लिए। अच्छा, फिर वही वाली बात हमारी जो पिछली वीडियोस में हम बताते हैं कि कितने पार्ट पे बैक कॉमिंग करनी है। तो जितने बाल हमारे ढक जाए, हम पोनी में ले लें बाल, उतने बाल हम इसमें लें, उतनी सेक्शनिंग करें आप। मैं टेंगल फ्री करके इसलिए काम करती हूँ ताकि मुझे लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, मैं चेक करूंगी कि सेंटर पार्ट है, बिल्कुल सेंटर में है पोनी। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल ऐसे आके हमने पोनी कर दी। बैक कॉमिंग में जब आप पोनी कर रहे हो पैडिंग रखने के लिए, तो आपने बहुत ज्यादा टू मच फ्रंट पर नहीं आना पोनी लेकर, थोड़ा बैक पर रखेंगे दोनों तरफ से इसको हम।
ताकि ये लूज ना हो। ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया है। यहाँ पे लाके मैं सारे बाल थोड़े से फैला दूंगी ऐसे करके और इस पे पिन कर दूंगी ऐसे बिल्कुल सामने की तरफ रखकर। अच्छा, बिल्कुल प्रेस करते हुए हमने पिन लगानी है ऐसे। अच्छा, बालों को मैं फैलाने की बात इसलिए कर रही हूँ, देखें यहाँ पर आपने अगरचे मोटी सी पोनी बन जाती है तो उसका ये पार्ट बहुत मोटा मोटा सा हो जाता है। तो उसके बाद ये होता है कि जब उसको वापस आप बैक की तरफ लेकर आएंगे तो वो बहुत ही डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसमें फिर वो लॉक नहीं हो रहा होता। देखिए मैंने बालों को फैला कर, अच्छा अच्छे से हम यहाँ पे दो तीन पिने कर देंगे ताकि ये पार्ट हमारा लूज ना हो। यहाँ पर लूज होने के बाद हम देखेंगे कितनी हमें हाइट चाहिए। मैंने डोनट कट कर लिया, डोनट कट करके मैंने इसकी हाइट के हिसाब से अगर मेरा ब्राइड का है तो मैं थोड़ा सा देखूंगी उसके बाद मैंने ऐसे। अच्छा, हाइट हमने अपने देखनी है कि हमारा स्टाइल क्या डिमांड कर रहा है, ब्राइडल है। देखिए इस तरह से करके मैंने उसको पहले सेट किया। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे फिर लॉक करूंगी ऐसे आए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास यू पिन है इस तरह की, ऐसे लेके इसको मैं लॉक कर देती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पिनों की बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ ताकि जो है मेरी ये पैडिंग बिल्कुल सेट हो जाए। अब मैं इस तरफ आऊंगी और दूसरी तरफ भी इसको ऐसे ही लॉक करूंगी। कम से कम तीन पिने तो लाजमी लगाएं। अच्छा, यहाँ बॉबी पिन मैं यूज नहीं करती हूँ ज्यादातर, बॉबी पिन लगाने में बहुत ही मसला हो जाता है। ये वाला पार्ट भी लिया और हमने इसको फ्रंट से आएंगे, इसको चेक करेंगे कि हमारा कितना पार्ट। अच्छा, मैं बिल्कुल इसको राउंड में करके, अच्छा बहुत से लोग ये भी कहेंगे मिस हम ये सेंटर में लगा दें, तो जी तो सेंटर में अगर लगाना है तो आपने ऐसे नीचे की तरफ करके ताकि ये आपकी पैडिंग इधर से उधर ना जाए। अच्छा, यहाँ बहुत मज़े का पार्ट आ गया है हमारे पास, देखें ऐसे इसको। अभी टैंगल फ्री है तो ज़्यादा हमें इस पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना सुलझे भी नहीं होते हैं तो फिर बाल बहुत प्रॉब्लम करते हैं। जस्ट इस लाइन को आपने सिर्फ फिल करना है अपना, बस हमें ज्यादा कोई बैककॉमिंग यहाँ पे नहीं करनी है। तो हमने इसको ऐसे रखा, और आपको अगर लगता है तो आप यहाँ पर स्प्रे कर दें फ्रंट से, दिखाते हैं आपको इस तरह से बहुत ही खूबसूरत आपके पास पार्ट आ जाता है। इसको फैल बालों को आप अच्छे से फैला लें। अच्छा, मेरी बैक जो डमी है उसका कलर ओम्ब्रे हुआ हुआ है, तो फ्रंट पे जो है आपको टॉप पर ये वाइट वाइट लगे तो आप इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये टॉप पे वाइट आ रहा है तो बहुत चीप लग रहा है। तो मैंने इसीलिए इस डमी का इंतखाब किया कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसमें। तो हमने यहाँ से बैक पे जाके इसको बिल्कुल फैला कर आपने उनको पिन करनी है बस। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि हमें यहाँ पर कितनी पार्टिंग करनी है, कितने बाल लेने हैं। इतने बाल लेने हैं जितने हम यहाँ पर सब कवर कर लें। दो एक दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब समझने वाली बात यह है आपकी सबकी, पिन कहाँ करनी है। पिन आपने ऐसे आप थोड़े से बालों को लें
थोड़ा सा आपने ऐसे ट्विस्ट कर लिया, ट्विस्ट करके ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाएगा ऐसे। एक पार्ट आपने अच्छा, अब नीचे की तरफ हम पिन क्यों कर रहे हैं वो इसलिए हमारा स्टाइल अगर यहाँ पर पिने दिखेंगी तो बहुत ही चीप लुक आता है। बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट आपका लॉक होना चाहिए। ये वाला पार्ट हम इस तरफ से आके पिन कर। अच्छा यहाँ पर मैंने देखें हल्की सी बैक कॉमिंग इस पार्ट पे कर दी है ऐसे करके। ये वाला पार्ट अब मैं लाइट सी बैक कॉमिंग भी इसके ऊपर दूंगी। अच्छा नीट करेंगे, क्लीन करेंगे। अच्छा जब रेल पे वर्क करेंगे हम थोड़ा सा हम शैडो स्पेस यूज करेंगे ताकि हमारा। अब सारे बालों को मैंने ऐसे लेके ऊपर वाला पार्ट भी मैंने बहुत ही नीट करूंगी। यहां से मैंने बिल्कुल टैंगल फ्री करके ऐसे थोड़े बालों को मैंने नीचे की तरफ करा ऐसे सारे बाल समेटे, और समेटने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपना हाथ रखती हूँ और इसको ट्विस्ट कर देती हूँ। अच्छा यहाँ मैंने इसको बिल्कुल फ्रंट पे पहले लाके चेक करूंगी कितना इसका मुझे लुक चाहिए ऐसे, और इसको नीचे की तरफ करेंगे सेट करेंगे और यहाँ पर हम इसको पिन कर देंगे। अच्छा बैक से मैं आपको दिखाऊं, मैं अपने इस पार्ट के साथ इस पार्ट को कनेक्ट करना। अब यहाँ पर मैंने बॉबी पिन भी यूज कर सकती हूँ और मैं यू पिन भी यूज कर सकती हूँ। अच्छा लॉक अच्छे से करना है, नीचे गए इस पार्ट के बिल्कुल नीचे जाके इसको पिन कर दिया। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ये पार्ट हम बाहर की तरफ करेंगे, सेट करेंगे। यहां से हमने ये वाला पार्ट लिया, थोड़ा सा पार्ट हम नीचे की तरफ ऐसे। अब आपके पास ये वाले पार्ट आ जाते हैं। अब बैक पर आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ सिंपली रैप करना है। यहां पर मुझे एक पैडिंग चाहिए तो मैंने बालों की पेपर बैक कॉमिंग दूंगी क्योंकि ये मैं एक बेस बनाऊंगी। तो मैंने पहले से ही पार्ट ले लिया। अच्छा ये लूज नहीं होना चाहिए आपका, ये पेपर बैक कॉमिंग हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बहुत मजे से स्प्रे करा और बहुत ही पार्ट बहुत मजे से करा। अच्छा ये कितना होना चाहिए, बहुत मजे से एक ही पार्ट करके इसको आपने ये इस बैक कॉमिंग के बिल्कुल पास ले हैं ऐसे। बैक कॉमिंग के साथ टक कर दें और बिल्कुल नीचे की तरफ आपने एक पैक बनाकर। अच्छा ये इसलिए हम बना रहे हैं कि जो हम यहाँ पर पार्ट रखेंगे तो वो हवा में तो कहीं सेट होंगे नहीं, तो उनके लिए हमें इस तरह का एक पार्ट चाहिए। आपको एक बेस मिल गया यहाँ पर जिसपे आप अपने दूसरे पार्ट यहाँ पे टक कर सकते हैं।
इसको बहुत अच्छे से आपने पैक कर दें। इस वैक्यूमिंग के साथ ये पार्ट लाजमी सेट होना चाहिए, ऐसे करके मैंने अंदर पिन कर दी ताकि यहाँ से भी सेट हो जाए। आपके पास इस तरह के जब पार्ट बन जाएंगे, अब सिर्फ सिंपली आपको रैप करना है। अब आप डोनट लगा सकते हैं और यहाँ पे जस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ रैप करना है यहाँ पर। ओपन स्टाइल है तो मैं इसको हल्के से थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐसे वैक्यूम दिए। थोड़ा सा मैंने ऐसे रखकर एक पार्ट मैंने ऐसे रखा। अच्छा, यहाँ पर हम इसको सिर्फ रैप कर रहे हैं, ऊपर वाली वैक्यूमिंग के पास नहीं आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हमने इसको ऐसे ऐसे ये नीचे की तरफ ना पीछे की तरफ दबा हुआ नहीं लगेगा। ऐसे यू पिन लेके हमने इसको ऐसे सेट कर दिया। जब ये ऐसे सेट हो जाए, अच्छा हम एक साथ तो बहुत सारे पार्ट पे काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा एक पार्ट मैंने फिर मैं इस तरह से आऊंगी। मुझे ये वाला पार्ट इस पार्ट के साथ ये वाला पार्ट कनेक्ट करना है तो मैंने जस्ट यहाँ पर बैक ऑन की इस तरह। थोड़ा सा चेक करेंगे और चेक करने के बाद हमने नीट करेंगे, क्लीन करेंगे और इसको जस्ट हम इसको अंदर की तरफ। अच्छा, इस पार्ट के साथ आपकी ये वाली जो पार्ट है बिल्कुल कनेक्टिविटी में आना चाहिए। देखिए, नीचे की तरफ कर दिया मैंने इसको ऐसे। और इसको अब हम यहाँ पे छोटी यू पिन ले लो, यहाँ पर पिने नहीं लगाएंगे देखिए, ताकि उसका जो हमारे स्टाइल का मकसद है वो फौत ना हो जाए। ऐसे यहां से इसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे ताकि इसका एक लुक आए। जो भी पार्ट आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं आप उनको ऐसे करके अंदर की तरफ। हम एक साथ सारे पार्ट रैप नहीं कर सकते, यहाँ पर आप पीछे डोनट भी कर सकते हैं ओपन स्टाइल के लिए। आप अब देखिए ये वाला पार्ट आ गया आपके पास, इसको मैंने जस्ट ये वाला पार्ट कवर करने के लिए ये जगह मैंने इसको हल्की सी यहाँ वैक्यूम दी। ऐसे करके मैं इसको यहाँ सेट कर दूंगी। सिर्फ रैपिंग है बहुत खूबसूरत तरीके से, और कुछ भी नहीं है। थोड़े थोड़े पार्ट लेके अब आपको ये सारे पार्ट कवर करने हैं, सब हम बैक पे साइड में ले जाएंगे। पहले चेक करेंगे, रीचेक करेंगे कि पूरा पार्ट हमारा सब कवर हो रहा है। हमने पैडिंग जो अंदर करी थी उससे हमें बहुत फायदा हो गया। लाइट सी बैककॉम देके इसको सेट कर देंगे। हाथ को थोड़ा सा तिरछा रखकर ऐसे लेकर आए। सारे वालों को ऊपर की तरफ लाकर इसको मैं
ऐसे सेट कर दूंगी, थोड़ा ऊपर रखूंगी वाला पार्ट, थोड़ा तो दबाती हुई और इसको अब लॉक कर दूंगी। अच्छे, अब ये हमारा लास्ट पार्ट है, तो हमने यहाँ बड़ी जुड़ा पिन से काम करा और इसको ऐसे लॉक कर दिया। ये हमारा बैक रेडी हो गया है। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप, कोई पार्ट आपको टाइट करना है, लूज करना है, आप यहाँ पर उसको कवर कर सकते हैं। जितने बाल हों उसी तरह अपने अंदर ही अंदर आप पीछे जो है वो रैप करना शुरू कर देंगे उसको, बहुत ही खूबसूरत आता चला जाता है वो उस टाइम। और अगर ब्राइडल की इतनी मेहनत नहीं करनी तो जस्ट आप डोनट लगाएं और इसको सेट कर दें। मैंने इसको बहुत हल्के हाथ से अच्छा, यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट एक रिंग बना के इसको सेट कर दूंगी। अच्छा, ये रिंग्स जो है मैं बबल्स कह लें आप इसको, मैं इनको अंदर की तरफ जो है वो इस तरह से कवर कर रही हूँ ताकि पूरा पार्ट कवर हो जाए। देखें बैक हमारा कंप्लीट है इस तरह से। अभी हमने स्प्रे नहीं किया है, सेट करेंगे, स्प्रे करेंगे। अच्छा, अब हमारी बारी आ जाती है फ्रंट की। स्प्रे करेंगे, ये पार्ट हमने टैंगल फ्री कर दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ आके अपना फ्रंट रेडी करूंगी। टैंगल फ्री करेंगे इसको, पार्ट को बहुत अच्छे से। अच्छा, जो लोग ज्यादातर कहते हैं कि हमें फ्रंट पे हाइट नहीं मिलती है मिस, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम ये करें कि हम सेक्शन बाय सेक्शन बैक कॉमिंग करेंगे, हम रूट्स बैक कॉमिंग ऐसे, इससे हाइट मिल जाती। अच्छा, ये वाला पार्ट मैं ऐसे करती चली जाऊंगी साइड में, थोड़े थोड़े पार्ट पे मैं रूट बैक कॉमिंग। स्प्रे की नीड हो तो स्प्रे करें, वरना स्प्रे की इतनी नीड नहीं होती है। बहुत से लोग बहुत ही, अगर आपको स्प्रे करना भी है जैसे बैक कॉमिंग आपकी वापस आ जाती है, आप जस्ट फ्लेक्सिबल स्प्रे से काम करें ऐसे, ये ज्यादा हार्ड नहीं होता। यहाँ मेरे पास फ्रंट का पार्ट आ गया है, बहुत ही मैंने इसको नीट कर लिया है, क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्प्रे, थोड़ा सा शाइनर स्प्रे। ऐसे शाइनर स्प्रे क्यों करते हैं, शाइनर स्प्रे 1% बेबी होल्ड कर देता है और हमारे यहाँ पर पार्ट को बहुत ही खूबसूरत दिखाता है। अच्छा, इस कॉम का मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये कॉम बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है इससे। नीट करेंगे, देखें फ्रंट है, फ्रंट को बहुत अच्छे से नीट करेंगे। बाल कटे हुए हैं अगर हमारे क्लाइंट के, तो हम यहाँ पर हल्की सी लाइनें क्रिएट कर रहे हैं।
ऐसे, यहाँ पर हमारे बाल बिल्कुल। अब हमें इस फ्रंट की पफ को इसके साथ मैच करना है। मैच करने के लिए यहाँ मैं आपको एक पफ बताऊंगी, बहुत आसान है। ये देखिए ऐसे, ये मेरा सिग्नेचर पफ है। टू फिंगर के साथ मैंने इसको ऐसे क्रिएट किया, ऐसे। जब हम इस पार्ट पे आ जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, कितना हमें रखना है? देखिए, हमें ये वाला पार्ट इसके साथ मैच करना है। ऐसे। यहां पर जब हम पहुंच जाएंगे, हम एक सेक्शन क्लिप लेके कहीं भी जाकर हम इसको टक कर देंगे, ऐसे। बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आ गया है, हाइट के साथ है, लाइनें भी सॉफ्ट सॉफ्ट आ गई हैं हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे ये वाला पार्ट ऐसे करके जो आ रहा है, वुडन स्टिक लेंगे। लाइनें क्रिएट हुई भी हैं हमारे पास, जस्ट हमने इसको विजिबल करना है ताकि लुक आ जाए अच्छा सा, ऐसे। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप आपने एक सीक्वेंस में वुडन स्टिक लगानी। अच्छा, ये अनफिनिश भी होती है, इसका भी ख्याल रखिएगा कभी कभी। तो बाज़ुगात ये होता है कि ये यहाँ से इसमें बाल, इसमें तो ये बाल को खींच के वापस जब आप निकालेंगे तो सारा डिस्टर्ब कर देता है। स्टेप बाय स्टेप लास्ट पार्ट बहुत अहम होता है। तो मैंने, अच्छा, बहुत ज्यादा मैं दबा के काम नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल हवा में काम करते हैं इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से मुझे एक हाइट मिल गई है। अच्छा, ये वाले पार्ट हम क्या करें, ज्यादातर मेजोरिटी इतने बाल नहीं होते हैं लोगों के, ज्यादातर जो है वो बाल छोटे होते हैं। तो मैं यही वाले पार्ट यहाँ बैक पे कहीं छुपा दूंगी ताकि ये वाला पार्ट मेरा कवर हो जाए। मैंने अपनी पैडिंग के साथ ही इसको सेट कर दिया। मैंने थोड़े से बड़े रूलर पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से। ये वाला पार्ट मैंने अंदर की तरफ लॉक करा। यहां मैं 2-3 पिने दे दूंगी ताकि ये वाला पार्ट मेरा ऐसे। फ्रंट हमारा थोड़ा सा हाइट के साथ होगा तो ये पार्ट बिल्कुल ढक जाएगा। अच्छा, अब आपके पास आ जाते हैं ये वाले पार्ट। अब मैं बिल्कुल, मैंने इसको शाइनी शाइनी लुक दे दिया है। सामने की तरफ से मैं आऊंगी, ये वाला पार्ट मैंने ऐसे है, बस बाकी मैं नहीं हटाऊंगी। थोड़ा स्प्रे कर दूंगी ताकि ये हार्ड लुक हो जाए। अच्छा, मैं कितने पार्ट पे काम करूंगी, मैं 2 पार्ट पे काम करूंगी ताकि मैं जल्दी अपना स्टाइल डन कर सकूं। अच्छा, ये मुश्किल तरीका है, यहाँ मैंने आप लोगों के लिए जो है इसका आसान तरीका। सामने की तरफ आए, बिल्कुल आधी आंख ढकी हुई होनी चाहिए, उससे ये होगा कि बहुत अच्छा इसका सेटिंग आएगी। सामने की तरफ आके ऐसे आपने इसमें फिंगर, जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपने इस पार्ट को बहुत अच्छे से होल्ड करना है। और यहाँ पर मैंने हाथ को ऐसे रखकर
और बैक पर लेके जाना है। मैंने बहुत ही हल्के मतलब स्लोली बताया है। देखिए यहाँ पर इस पार्ट के साथ ये पार्ट आपका कनेक्ट होना चाहिए ऐसे। ऑटोमेटिक एक खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है। मैंने ये वाला पार्ट ऐसे रखा। अब जब तक हम पार्ट नहीं हटाएंगे, जब तक अपनी फिंगर्स नहीं हटाएंगे, जब तक हम इसको लॉक नहीं करते। लॉक करने के लिए सबसे मैंने पहले ये वाला पार्ट ऐसे अच्छा करीब करके हम इसको लॉक नहीं कर रहे हैं। हर पार्ट पे मैंने हाथ रख लिया है ताकि ये वाला पार्ट यहाँ बॉबी पिन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है वो फंस जाएंगे, क्योंकि अगर पार्ट ज्यादा लॉक हो गया तो हमें उसे लूज करना हुआ तो फिर हमें उसको ओपन करने के लिए बड़ा मसला हो जाता है। ऐसे फ्रंट से चेक करेंगे। अच्छा फ्रंट से हम क्या चीज चेक करेंगे ये देखिए। अब यहां से ये वाला पार्ट ये चीज आपकी कनेक्टिविटी हो, इसलिए मैंने यू पिन का यूज करा था कि जब बहुत ही हल्की हाथ से काम हमारा खराब ना हो। ये वाला पार्ट मैं इसको ऊपर की तरफ कर दूंगी थोड़ा सा, ये वाला पार्ट। इसके बाद अगर मुझे जितना नीड है उतने हिसाब से मैंने इसको ऐसे अच्छा यहाँ पर एक वुडन स्टिक लेके मैंने ऐसे इसको लॉक कर दिया जरा, ताकि यहाँ के कोई बाल डिस्टर्ब ना करें। अच्छा अब हमारे पास ये पार्ट रह गया। टैंगल फ्री करेंगे, सामने की तरफ से आएंगे। आप इस स्टाइल को जितना कवर करना चाहें कवर कर लें। फिर हमने ऐसे फिंगर करी और बैक पे आ गए। फ्रंट पे चेक करेंगे, सबसे पहले फ्रंट चेक करेंगे कितना आ रहा है, उसके बाद हम इसको बैक पे ले जाके लॉक कर देंगे। अब हमने जो है वो एक ही पिन से पूरा कवर कर लिया। पहले हमने कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को कवर करना है। अब यहाँ से हमें जितना लगता है हम सारे पार्ट बैक पे करके उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने स्प्रे कर दिया है, हमने थोड़ा सा शाइनर स्प्रे करके इसको ऐसे नीचे से सारा है पार्ट थोड़ा शाइनर स्प्रे थोड़ी सी शाइन आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर हमारे पास देखें ये वाला पार्ट आ गए हैं ये सारे। मैं क्या करूँगी छोटे छोटे से रिंग्स बना दूंगी यहाँ पर, बहुत ज्यादा टू मच रिंग नहीं बनाऊंगी ऐसे। इस तरह से ये वाले मेरे जो पार्ट हैं वो छुप जाएंगे। यू पेन लगाएंगे अच्छा हमें यहाँ फ्लावर्स लगाने हैं। हम जैसे इसको ऐसे ही रैप कर दें तो हम ऐसे ही कहाँ रैप कर देंगे, हमें एक खूबसूरती तो देनी होगी। अगर फ्लावर्स जो है नहीं कोई लगाना चाहे तो हम यहाँ पे पर्ल से भी काम कर सकते हैं। फ्रंट पे आएंगे चेक करेंगे और यहाँ से हम अपनी हटा देंगे। ये देखिए मेरे पास फ्लावर्स हैं, मैंने एक लाइन में लगा दिए हैं। और अब मैं सबसे पहले अपनी वुडन स्टिक हटाऊंगी। अच्छा ये देखिए वुडन स्टिक ऐसे हटाई जाएगी जैसे मैंने कहा था, क्योंकि हमारे पास लास्ट में इतना टाइम नहीं होगा कि हम दोबारा स्टाइल अगर खराब हो गया तो हम डन करें। ऐसे करके हमने बहुत एहतियात से
अच्छा यहाँ पर एक जो है वो एक लाइन में प्रोने का मतलब क्या है, इसलिए कि बहुत सारी पिने नहीं लगानी हमें, बड़ी बुरी लगेंगी। हाँ ऊपर से ही मैंने यहाँ हमारा स्टाइल डन हो चुका है, कंप्लीट है। हम एक्सेसरीज अपनी ज्वेलरी बना रहे हैं इनको, अपनी डमी को। बहुत डिमांडेबल है ये स्टाइल और बहुत ही खूबसूरत लगता है ब्राइड के, और बहुत ही जिनकी जिनका माथा चौड़ा हो उन पे ये स्टाइल बहुत प्यारा लगता है, बहुत सॉफ्ट एलिगेंट, और इसका रॉयल लुक आता है जब इसको हम बनाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा टू मच कोई एक्सेसरीज इसमें नहीं यूज़ करी है, जस्ट फ्लावर भी हमने सिर्फ यहाँ इस पार्ट पे यूज़ करा है। जिनका माथा चौड़ा हो उन पर तो ये बहुत ही खूबसूरत जाता है, और जिनका माथा अगर छोटा है उन पर भी जाता है, उनको थोड़ा हाइट के साथ पॉप देंगे। यहाँ से हमने ये वाला पार्ट कनेक्ट करा है और थोड़ा ये हाइट दी है ताकि इसका लुक आए। तो आई होप कि आपको ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत डिमांड आ रही थी स्टाइल की, और आपको कैसा लगा स्टाइल और मेरे सिखाने का आपको कैसा तरीका लगता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।